तो गाइस फैन ऑफ रेसलिंग के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर ही आता होगा कि जो रेसलर रिंग में रेसलिंग करते हैं उनको चोट लगती है या नहीं लगती। और कई लोग तो यहाँ तक भी सोचते हैं कि जो रिंग के अंदर बिछी होती है वो चीज़ वाइट वो मुलायम गद्दे होते हैं जिन पर रेसलर को बिल्कुल भी नहीं लगती। तो बस गाइस आज की वीडियो रिंग सीक्रेट के बारे में होने वाली WWE की, कि WWE की रिंग कैसे बनी होती, क्या रेसलर को उसमें चोट लगती है या नहीं लगती, ये सभी हम आज की वीडियो में देखना चाहते हैं। अगर आप ये अच्छी तरह जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो गाइस WWE की रिंग काफ़ी तरीकों से बनाई जाती है और वो एक जगह टिकने वाली रिंग नहीं होती। पहले मैं भी सोचता था कि WWE की रिंग एक ही जगह रहती है, पर वो रिंग इस तरीके की बनी होती है कि उसे जहाँ मर्जी सेटअप करा जा सके, वहाँ से दूसरे इवेंट के लिए भी ले जाया जा सके। तो गाइस पहले बात कर लेते हैं रिंग साइड एरिया की। कमेंटेटर हर इंसिडेंट पे से रिंग साइड एरिया कहते हैं, जैसे रिंग साइड एरिया कोलिजन इस टाइप का। तो जो रिंग साइड एरिया होता है उसके नीचे होती है कंक्रीट, यानी जहाँ पे भी वो इवेंट हो रहा है उसके नीचे बस वो जगह की मिट्टी होती है, पत्थर वाली मिट्टी। तो WWE क्या करती है, उसमें एक गद्दा सा बिछा देती है जो हम देखते हैं ब्लैक सा, और वो इतना मुलायम भी नहीं होता कि रेसलर को बिल्कुल भी इम्पैक्ट ना हो। अभी हमने रो में भी देखा था, ब्रॉन स्ट्रोमन ने रोमन रेंस को एक पावर स्लैम भी दिया था उस जगह पे, जिसे हम कंक्रीट कहते हैं, और रोमन रेंस को सच्ची में भी उस जगह पे लगी थी, क्योंकि वो गद्दा इतना पतला नहीं है, इतना तो पतला है कि वो जगह का प्रेशर कम कर सके और फोर्स कम कर सके चोट लगने को, पर वो इतना भी मुलायमदायक नहीं है कि रोमन रेंस को बिल्कुल भी चोट ना लगे। अब आ जाते हैं स्टील पोस्ट पे। तो स्टील पोस्ट का मेन कारण ये होता है उन्हें रखना कि वो पूरे रिंग के स्ट्रक्चर को संभाले रखे, और ताकि जब रेसलर रिंग में रेसलिंग करे तो वो टूट ना जाए। वो पूरे अच्छे तरीके से स्टील के होते हैं ताकि रिंग बची रहे और रिंग रेसलिंग करते हुए वो रिंग टूट ना जाए। और जब कोई रेसलर स्टील पोस्ट से टकराता है तो सच्ची में ही टकराता है। अब बात कर लेते हैं रिंग के अंदर। तो गाइस रिंग के नीचे होती है एक प्लाई, और उसके नीचे होते हैं शोकर्स, और उसके ऊपर मैट की एक पतली सी लेयर होती है, और उसके ऊपर हम जो प्रो रेसलिंग में मैट इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं वो भी उस पर लगा हुआ होता है। तो इस सब की वजह से क्या होता है, जब रेसलर रिंग में रेसलिंग करते हैं ना, ये चोट तो लगती है, पर शोकर्स की वजह से जब वो कूदते हैं या कूदते हैं उनका प्रेशर, जैसे बाइक और कार्स में शोकर्स लगे होते हैं, उनका प्रेशर एब्जॉर्ब करके उस झटके और उस फोर्स को कम कर देती है। जैसे कि कोई ऐसे गिरा तो उतना ऊँचे नहीं उछलेगा, या उतना ऊँचे उछल के फोर्स कम हो जाएगा, वो एकदम से मैट पर जे मार के नहीं गिरेगा। और गाइस मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो WWE में रेसलिंग करते हैं रेसलर्स, उनको रिंग में चोट असली में लगती है। और आप देखते होंगे जो कि हम अपनी इंडियन प्रो रेसलिंग में मैट इस्तेमाल करते हैं, वो मैट बिल्कुल वही मैट होता है। और आपने देखा होगा जब कोई भी कुश्ती होती है तो उस मैट पे चोट लगती है, और वैसे ही उस मैट पे भी चोट लगती है। बस WWE क्या करती है, उसको इस तरीके का बना देती है कि इंजरी के चांस कम हो। अब आ जाते हैं टर्नबकल पे। तो गाइस टर्नबकल भी पूरा स्टील पोस्ट की तरह स्टील का ही होता है, बस उसके ऊपर WWE के लोगो वाले पैड इस्तेमाल लगाए जाते हैं ताकि जब रेसलर उसमें जाके लगे तो रेसलर को ज़्यादा जोर से नहीं लगे। अब आ जाते हैं रोप के ऊपर। तो गाइस रोप कई तरह की बनी होती है, जैसे नेचुरल फाइबर या प्लास्टिक रोप या स्टील मेटल रोप, बस उसके ऊपर टेपिंग करी जाती है ताकि रेसलर जब उसको पकड़े या उसको पकड़ के दौड़ जाए तो छिले ना और रेसलर को कम से कम चोट लगे। तो गाइस बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना भाई। थैंक यू।